विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर द्वारा निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन में मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के केंद्रीय पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष डीके मिश्रा, राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के प्रभात सिंह, जूनियर इंजीनियर संगठन के अजय कुमार, विद्युत मजदूर पंचायत के डीपी त्रिपाठी, अभियंता संघ के पल्लव मुखर्जी, बिजली कर्मचारी संघ के महेंद्र राय, विद्युत मजदूर संगठन के राजेंद्र सिंह एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के वीरेंद्र सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्माइल खान और संचालन इंजीनियर दीपक गुप्ता ने किया। इस संबंध में राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव प्रभात सिंह ने बताया कि लड़ाई कठिन है, लेकिन यदि नेतृत्व और इरादा मजबूत है तो हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। कार्यक्रम में अखिलेश गुप्ता, दीपक चक्रवर्ती, संगम मौर्य, रामविलास खरवार, आशीष गुप्ता, एएच खान, राम अवतार यादव, मुकेश गुप्ता, प्रमोद यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव प्रभात सिंह ने कहा, स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण का। तालियां बजाने में कोई तंदुरुस्ती बिल्कुल ना करें, खेल में कोई तंदुरुस्ती ना करिए। और बिल्कुल एक फोटो जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें मित्रों। इंजीनियर संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार साहब का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का आदेश करें। भावना नहीं जागृत होगी कि जब तक मैं इस संघर्ष में शामिल नहीं होऊंगा, चलने की आदत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही, कश्ती है तो किनारा नहीं है तू, कश्ती है हमारी कश्ती ये बैठी हुई है, चल रहा है जिसमें आप सभी पूर्ण मनोयोग के साथ सम्मिलित तो दिख रहे हैं। साथियों, हम अपने तरीके से पूरी तरह से इस सरकार को, इस निजीकरण के खिलाफ चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आप मान जाइए, हम पूरी तरह से अहिंसा को अपना हथियार बनाए हुए हैं। हमारे सभी साथी बिना किसी उपभोक्ता को कष्ट दिए यहाँ पर उपस्थित होकर आपका ध्यान आकर्षण कर रहा है लगातार 5 दिनों से। मैं प्रभात सिंह हूँ, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। देखिए, जो वर्तमान में प्रबंधन और सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे पूर्वांचल डिस्कॉम को 3 भागों में तोड़कर जो निजीकरण की प्रक्रिया के लिए शुरुआत की गई है, हम उसी के विरोध के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली विरोध सभा कम जनजागरण सभा ज़्यादा है, बिकॉज जो वर्तमान में आपको मैं बता दूँगी, जो निजीकरण जो फैसले पहले हुए हैं आज से पूर्व, जैसे कि सन 2000 में हमारे बोर्ड का विघटन करके अलग अलग परिषद बनाए गए थे, तो उसमें हमारा उस टाइम पे जो घाटा था वो 77 करोड़ रुपए था, और वर्तमान में घाटा बढ़ के 95,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं विघटन के दुष्परिणाम स्वरूप घाटा बढ़ा ही है। वहीं दूसरी ओर आप अगर देखेंगे तो निजीकरण में आज की दौरान हमारे पास आगरा एक ऐसा शहर है, और आगरा और कानपुर का एक साथ निजीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ था। वर्तमान में आगरा जो है एक डेवलपिंग शहर है, वहाँ पर खूब सारे होटल्स इंडस्ट्रीज हैं, 5-स्टार होटल्स हैं, और आज की डेट में वो सरकार को 4.5 रुपये यूनिट देता है। और वहीं कानपुर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी थकी हुई हैं, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं, वहाँ पर कानपुर आपको 7 रुपये के आसपास देता है। सीधे 3 रुपये का घाटा आगरा में हम उठा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर निजीकरण का दूसरा एग्जाम्पल हमारे बीच में है ग्रेटर नोएडा का निजीकरण। ग्रेटर नोएडा के मैं आपको बता दूं कि 85% उपभोक्ता जो है इंडस्ट्री और कमर्शियल के उपभोक्ता हैं, जो हाईली पेइंग कंज्यूमर है, ज़्यादा पैसा देते हैं, और वहाँ पर हम सस्ती बिजली खरीद के ग्रेटर नोएडा में देते हैं, जहाँ पर हमें करोड़ों रुपये का नुकसान प्रति वर्ष प्रति माह हो रहा है। तो ये दोनों निजीकरण के जो हमारे एग्जाम्पल यूपी में हमारे सामने हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि निजीकरण जो है अपने आप में एक फ्लॉप वो है, तरीका है सुधार का, सुधार के लिए, घाटा कम करने के लिए कभी भी ये तरीका नहीं है। और कहीं ना कहीं निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो आम उपभोक्ता पड़ने वाला है, क्योंकि आम उपभोक्ता में बता दूं वर्तमान में जो इन्होंने जो यूपीआरईसी में फाइल किया था यूनिट रेट वो 7.60 रुपये था, और कोई भी प्राइवेट कंपनी आएगी 16% मुनाफे के साथ, आरओआर जो है करीबन उपभोक्ता को 10 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी। मैं आपको एक मोटा मोटा खाका दे दूं कि अभी वर्तमान में सब्सिडी ख़त्म करने की बात की जा रही है, सब्सिडी ख़त्म होने पे जो हमारा किसान होगा उसकी 5 HP की मोटर है तो प्रति माह उसका बिल 8,000 रुपये आएगा, और अगर वही मोटर आपकी 10 HP की है तो 17,000 से 18,000 रुपये बिल आएगा। कब किसके खाते में क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसान के लिए प्रति माह 18,000 और 10,000 रुपये बिल देना क्या संभव है? तो ये सब निजीकरण के दुष्परिणाम हैं, इसे आम जन को जानना चाहिए। और हमारे लिए मैं बता दूं कि हमारे कम से कम 25,000 पद जाने वाले हैं नौकरियों के, विभिन्न इंजीनियर्स के, जूनियर इंजीनियर्स के, कर्मचारियों के, और संविदा के करीबन 15,000 पद जाने वाले हैं। तो इसी क्रम में हमने जन जागरण अभियान चलाया है। हमें वर्तमान में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि महाराज जी जिस क्षण इस चीज़ के संज्ञान में आने पर उनके हस्तक्षेप से ही ये निजीकरण जैसी जो कुरीति जो षड्यंत्र चला रखा है प्रबंधन ने और केंद्र से एक मंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये रुकेगा और हमारे ही जो है इसमें सकारात्मक परिवर्तन की ओर चीज़ें जाएंगी। विरोध प्रदर्शन कब से चल रहा है आपका, कब तक? देखिए 1 तारीख से हमारा जन जागरण दौरा चल रहा है। हम ऑलरेडी जो है अभी आपका क्या नाम है बनारस से शुरुआत की थी, बनारस, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज हो गया है, उसके बाद कल जो था हमारा बस्ती में था, आज गोरखपुर में, आज है यहाँ पर गोरखपुर में, और कल है जो आजमगढ़ में। प्रतिदिन हम जो है 4 से 5 विरोध सभाएँ कर रहे हैं और जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण कार्यक्रम है वास्तविकता में।